नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजगीर में शुरू होने वाले जू सफारी के बारे में। बिहार को पर्यटन के लिहाज से विस्तार करने की तैयारी हो रही है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार भी समय समय पर कई सारे ऐलान करती रही है। इसी क्रम में अब राजगीर जू सफारी का इंतजार भी खत्म होने वाला है, जिसके बाद अब आम नागरिक इस जू सफारी और नेचर सफारी का दीदार अगले महीने से करने वाले हैं। इसको लेकर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है और कहा है कि राजगीर जू सफारी अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि जू सफारी में खास क्या होने वाला है। इसी जू सफारी में स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बना है, जो देश का दूसरा और बिहार का पहला है। राजगीर जू सफारी में 5 जोन भी होने वाले हैं, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन के अलावा चिड़ियों के लिए भी एक एवियर होगी। इसके साथ ही इस जू सफारी में तितलियों का भी एक पार्क होगा। इसमें हर जोन का 30 फीट ऊंची ग्रिल का घेरा होगा। बीते महीने से इसको लेकर अब तक सफारी में कई जानवरों को पटना जू और दूसरे राज्यों से लाया गया है। पटना जू से एक बाघ को लाकर जू सफारी में छोड़ा गया है। इस महीने के अंत तक पटना जू से एक बाघ और भी भेज दिया जाएगा। 2 तेंदुआ और 2 भालू इसी महीने भेजे जाएंगे। इसके बाद 2 शेर को भी भेजे जाने की तैयारी हो रही है। जू सफारी के लोकार्पण के साथ ही स्काई वॉक ग्लास ब्रिज पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। उद्यानन से पहले ही इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार यह स्काई वॉक ब्रिज में लगा ग्लास जर्मनी की एक कंपनी में बनाया गया है, जिसमें कि एक बार में केवल 20 से 25 लोग ही घूम सकेंगे। जानकारों की माने तो स्काई वॉक के शुरू हो जाने के बाद इस पर चलने के बाद ऐसा लगेगा मानो उसी हरी भरी वादियों से भरी घाटी के बीच आपको हवा में किसी ने टांग दिया हो। इतना ही नहीं, इस ब्रिज से पर्यटक जू सफारी का भी दृश्य देख सकेंगे। इसकी लंबाई 85 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। इसे पहाड़ों की 2 चोटी के बीच गहरी खाई के ऊपर ही बनाया गया है। राजगीर में नेचर सफारी के साथ साथ जू सफारी आकर देखने और घूमने से युवा पीढ़ी को प्रकृति से जुड़ी काफी जानकारियां भी मिल जाएंगी और वो पर्यावरण के प्रति सजग भी होंगे। इस जू सफारी पार्क को काफी अलग अलग जोन में बांट कर बनाया जा रहा है। खबरों की माने तो इस जू सफारी को करीब 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले भाग में शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन के साथ साथ चिड़िया अलग अलग खंड बनाया गया है। इसके साथ ही रंग बिरंगी तितलियों के लिए भी अलग से एक खंड रखा गया है, जहां पर आप दुनिया भर के रंग बिरंगी तितलियों को देखने का आनंद उठा सकते हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट, सुंदर पार्क और बच्चों के लिए अलग से झूले की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो भी बच्चे वहां घूमने जाए वो आसानी से खेल सके। हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने से शुरू होने वाले इस जू सफारी से पर्यटक जो है वो बिहार की तरफ और ज्यादा आकर्षित हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से शुरू किए जा रहे इस जू सफारी से क्या बिहार में पर्यटन की संभावना और ज्यादा बढ़ेगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।